जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए आतंकी हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। इस कायरतापूर्ण हमले के बाद पूरे देश में गुस्से और शोक की लहर दौड़ गई। इस हमले के बाद लोग बेहद दुखी हैं और लगातार इसके बदले की मांग कर रहे हैं। ऐसे में एक शख्स ने इस हमले को लेकर एक एंटी नेशनल पोस्ट लिखा, जिसके बाद पुलिस ने क्या किया, देखिए इस रिपोर्ट में। 14 फरवरी 2019, इस तारीख पर जहां दुनिया भर के लोग प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं, वहीं इस दिन आतंक का एक ऐसा चेहरा देखने को मिला जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान शोक में डूब गया। इस तारीख को कश्मीर सीरिया में तब्दील हो चुका था। सड़क पर चारों ओर सैनिकों की लाशें बिखरी हुई थी। इस कायरतापूर्ण फिदायीन हमले के बाद लोगों में बेशुमार गुस्सा और बदले की भावना भड़की हुई थी। तभी सोशल मीडिया पर एक एंटी नेशनल पोस्ट फैलने लगा। इस पोस्ट को बिहार के गोपालगंज जिले के बथुआ बाजार निवासी मजहर हाशमी ने लिखा। मजहर का ये पोस्ट फैलते फैलते गोपालगंज एसपी राशिद जमा के पास पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए महज 5 घंटे के अंदर मजहर को ट्रैक करके हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद मजहर के फोन को जब्त कर लिया गया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले को लेकर जांच में जुटी है कि कहीं उसका आतंकियों से कोई कनेक्शन तो नहीं है। और इस एक्शन से साफ हो जाता है कि अब पुलिस किसी भी तरह की देश विरोधी या सेना विरोधी तत्वों की बिल्कुल ढिलाई नहीं करेगी और देशवासियों के भावना भड़काने वालों को बिल्कुल माफ नहीं करेगी। खबर अपडेट की रिपोर्ट।